हरे कृष्ण। तुलस्यारक्षितं सर्वं जगत एतचराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापभिर्नरहि। तुलसी देवी संपूर्ण सचराचर जगत में सभी की रक्षा करती हैं और जो भी पापी मनुष्य एक बार भी उसका दर्शन कर ले उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी परम पावनी और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी के जीवन और दिव्य कार्यकलापों की कथा हम सुन रहे हैं। तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में चल रही हमारी विशेष कथा सप्ताह में पिछले अध्याय में हमने सुना कि शंखचूड़ के आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी और भगवान शिव के साथ वैकुंठ जाते हैं भगवान नारायण की शरण में। उनकी प्रार्थना को सुनकर श्री हरि उन्हें आश्वस्त करते हैं कि शंखचूड़ का अंत अवश्य होगा और फिर वे शिव जी को अपना त्रिशूल देते हैं। भगवान नारायण की आज्ञा पाकर शिव जी पृथ्वी लोक में आते हैं, अपने दूत पुष्प दंत द्वारा शंखचूड़ को संदेश भिजवाते हैं और अब वे अपनी महाभयंकर विशाल सेना के साथ शंखचूड़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन शंखचूड़ उस समय क्या कर रहा था? दूत के चले जाने के बाद शंखचूड़ वापस अपने अंतःपुर में आ जाता है। आते ही वह अपनी प्रिय पत्नी को इस युद्ध संबंधी सारी बातें कहता है। ये सुनकर तुलसी देवी अत्यंत चिंतित हो जाती है, उनका गला सूखने लगता है, उनका हृदय विदीर्ण हो उठता है और फिर चिंतित स्वर में वो अपने पति शंखचूड़ से कहती है, हे प्राणेश्वर, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता हैं। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय आदर पूर्वक आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आज मैंने रात्रि के अंतिम प्रहर में एक बुरा स्वप्न देखा था। इस प्रकार तुलसी देवी को घबराया हुआ देखकर शंखचूड़ उन्हें आश्वस्त करने लगा। आखिर वो एक ज्ञानी पुरुष था। उसने तुलसी देवी से कहा, हे प्रिय, कर्म भोग की गति काल सूत्र में पिरोई हुई है। समय अत्यंत बलवान है। हर्ष, शोक, सुख, दुख, ये सब काल के अधीन है। समय समय पर इस सृष्टि का सर्जन होता है और समय आने पर उसका विनाश हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं के भी अधीश्वर हैं परम भगवान श्री कृष्ण। वे इस प्रकृति से परे हैं। उन्हें सर्वेश, सर्वरूप, सर्वात्मा और परमात्मा भी कहते हैं। वे ही समय समय पर अपनी इच्छा से इस सृष्टि का सर्जन और संहार करते हैं। हे सुंदरी, तुम उन्हीं परम भगवान श्री राधा वल्लभ की उपासना करो, जो भगवान मृत्यु के भी मृत्यु हैं, जो काल के भी काल हैं, जो ब्रह्मा के स्वामी और यमराज के शासक हैं, जो इस जगत के सर्जक, पालक और संहारक हैं, उन परम भगवान की तुम शरण ग्रहण करो। यहाँ कोई भी किसी का बंधु नहीं है। जो सबके बंधु हैं वे केवल श्री कृष्ण हैं। उन्हीं की तुम उपासना करो। ब्रह्मा जी ने हम दोनों को इस भौतिक संबंध की रस्सी में बांध दिया था और अब हमारा अलग होना ये भी नियति है। अब तुम्हें निश्चय ही भगवान नारायण अपने पति रूप में प्राप्त होंगे। तुम ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त कर चुकी हो। भगवान गोविंद तुम्हें गोलोक धाम में अवश्य प्राप्त होंगे, इसलिए तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। मुझे अपनी तपस्या और वरदान से तुम पत्नी रूप में प्राप्त हुई, ये मेरा सौभाग्य था। लेकिन अब मैं भी इस दानवी शरीर का त्याग करना चाहता हूँ और वहीं दिव्य लोक में जाना चाहता हूँ। हम दोनों फिर एक बार उसी गोलोक धाम में पुनः मिलेंगे। तुम मुझे वहाँ मिलोगी और मैं तुम्हें वहाँ देख पाऊंगा। इसलिए हे प्रिय, शोक मत करो। मेरा गोलोक वापस जाना निश्चित है, इसलिए तुम भी शीघ्र ही अपने इस शरीर का त्याग करके उस दिव्य भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करोगी, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ ने तुलसी देवी को प्रेम पूर्ण वचनों से आश्वस्त किया। तब तक संध्या हो चुकी थी। शंखचूड़ ने पुनः तुलसी को एक ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो कि उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भांडिर वन में प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके तुलसी देवी का मन भी शांत हो गया और फिर दोनों प्रसन्न चित्त होकर निद्राधीन हो गए। अब देखिए, शंखचूड़ दानव होने के बाद भी श्री कृष्ण का परम भक्त था। वो जीवन के सत्य को जानता था, इसलिए उन्हीं परमेश्वर का स्मरण करते हुए वो प्रातः काल में उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान किया और प्रातःकालीन पूजा इत्यादि संपन्न किए। उसके बाद शंखचूड़ ने ब्राह्मणों और गुरुजनों को विशाल हृदय के साथ दान दिया, जिसमें अनेक नगर, अनेक गांव और असंख्य संपत्ति थी। फिर उसने अपने पुत्र को बुलाया, उसे संपूर्ण दानव कुल का राजा बनाया और अपनी प्रिय पत्नी तुलसी तथा संपूर्ण राज्य और ऐश्वर्य उसी को सौंप कर उसने अपना कवच पहन लिया। हाथ में धनुष बाण लिए अपने सैनिकों को एकत्रित किया और निकल पड़ा चंद्रभागा नदी की ओर, जहां भगवान शिव और उनके गण उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी सेना में 300,000 उत्तम घोड़े और 500,000 श्रेष्ठ हाथी थे, 10,000 रथ और 3-3 करोड़ धनुर्धारी, ढाल तलवारधारी और त्रिशूलधारी बहादुर सैनिक थे।
शंखचूड़ ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और फिर अपने रत्नों से सजे हुए दिव्य विमान में बैठकर अपनी सेना सहित निकल पड़ा भगवान शिव की सेवा करने के लिए। चंद्रभागा नदी के तट पर सिद्ध क्षेत्र है, जहां एक सुंदर अक्षय वट है। इस स्थान को कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। ये पश्चिमी समुद्र से पूर्व और मलय पर्वत से पश्चिम की ओर है। श्री शैल पर्वत से उत्तर की दिशा में और गंधमादन से दक्षिण दिशा में स्थित इस क्षेत्र की चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन। उसी स्थान पर पुष्पभद्रा नदी बहती है। वो नदी गोमंत पर्वत को अपनी बाईं ओर रखती हुई पश्चिमी समुद्र की दिशा में बहती है। उस स्थान पर जाकर शंखचूड़ ने माता गौरी के पति और अत्यंत सुंदर भगवान शिव के शांत स्वरूप का दर्शन किया। उस समय भगवान शिव की बाईं ओर भद्रकाली विराजमान थी और उनके सामने थे कार्तिकेय। शंखचूड़ ने उन सभी को प्रणाम किया और उन तीनों ने उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात शंखचूड़ भगवान शिव के समीप बैठ गया और शिवजी ने उसे दिव्य ज्ञान देते हुए कहा, हे राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं, वे धर्मज्ञ और धर्म के रचयिता हैं। हे वत्स, पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के एक पार्षद गोप थे और इस समय तुम श्री राधिका के श्राप के कारण यहाँ मर्त्य लोक में उपस्थित हो। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण के भक्त हो। तुम्हारे लिए ये देवताओं का राज्य तो केवल एक मात्र भ्रम ही है, इसलिए हे राजन, तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और मुझे प्रसन्न करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवताओं को अपने राज्य में शांति पूर्वक रहने दो। भाई भाई में विरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। देवता और दानव दोनों ही ऋषि कश्यप के वंशज हैं, इसलिए हे पुत्र, मान जाओ, देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे भगवन, आपने जो कुछ भी कहा वो सर्वथा उचित है, उसमें कोई संशय नहीं। परंतु हे महादेव, कृपया आप मेरी बात को भी सुनिए। मैंने ये सारा ऐश्वर्य और साम्राज्य अपने बल पर प्राप्त किया है। ये संपूर्ण विश्व भगवान श्री कृष्ण का ही क्रीड़ा स्थल है। वे जिस समय जिसको जो चीज देते हैं वो उसी की हो जाती है। काल के क्रम अनुसार देवता और दानवों को एक के बाद एक बारी बारी से जय और पराजय का सामना करना पड़ता है। हम दोनों के इस विवाद में आपका बीच में आना उचित नहीं है, क्योंकि आप हम दोनों के साथ समान व्यवहार और बंधुता प्रदर्शित करते हैं। शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, सभी देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए थे और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास यहाँ भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम उन्हें लौटा दो, बस मेरी यही इच्छा है। अन्यथा मेरे साथ प्रसन्नता पूर्वक युद्ध कर लो। अब तुम्हें जो उचित लगे वैसे करो। शिवजी की बात सुनकर शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ उठ गया। उसने भगवान शंकर और वहां उपस्थित सभी महान देवी देवताओं तथा लोगों को अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर शुरू हुआ एक महाप्रचंड और भयंकर देवासुर संग्राम। इस संग्राम में क्या क्या हुआ ये हम जानेंगे तुलसी विवाह की इस विशेष कथा श्रृंखला में आने वाले अध्याय में। तब तक के लिए अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा सोचिए मत, जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए ताकि आने वाले अध्याय की कथा भी आपको मिल जाए। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में श्रीमती तुलसी देवी के महात्म्य का अधिक से अधिक श्रवण और कीर्तन करके उनकी सेवा करते हैं और उनसे भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।